What's up everybody, this is Arshi Khan and you're watching Student Cover. यार courses section में हम एक और branch को cover करने वाले हैं इस video में, और इस branch का नाम है Electronics and Telecommunication, जो कई सारे government and private colleges में offer होती है. जब ये branch मिलती है हमें, because obviously हम जाते तो हैं computer science, but जब हम top colleges की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा ranking का system होता है. तो जिन students को ये branch मिलती है या फिर जो student इसको करना चाहते हैं, उनको ये जानना बहुत important है कि exactly होता क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स, जितनी भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस देख रहे हैं, दैट कम्स, मैंने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पे भी वीडियो बनाया है, तो एवरीथिंग व्हिच इज इलेक्ट्रॉनिक दैट कम्स अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स. नाउ इफ यू टॉक अबाउट टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन इज बेसिकली, हम फोन की बात कर ले, एक टाइम था जहाँ पे हम वो केबल से कनेक्टेड वाला फोन पे बात करते थे, आपके घर में लैंडलाइन होता होगा, एक ही लैंडलाइन, देन वो ट्रांसफॉर्म हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करके. नाउ वी आर यूजिंग, यू नो, वी स्टार्टेड यूजिंग वायरलेस फोन्स, देन और ट्रांसफॉर्म हुआ स्मार्टफोन्स, राइट. देयर वाज अ टाइम जब हम रेडियो सुनते थे, हमारे घर में एक रेडियो रखा रहता था, बट नाउ वी हैव इनबिल्ट रेडियो आइदर ऑन आर इन आर कार या फिर हमारे फोन्स में होता है. उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर हो गया, या फिर हम माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की बात कर लें, हम इवन केबलिंग की बात करें या आई पी नेटवर्किंग की बात कर लें, एवरीथिंग कम्स अंडर टेली कम्युनिकेशन. सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस टेली कम्युनिकेशन, जो भी चीज़ें यू नो कम्युनिकेट करती हैं, कम्युनिकेशन में यूज होती हैं, वो सारी चीज़ें, भले हम वो छोटी छोटी चीज़ें में प्लेन ओल्ड रेडियो सर्विस ले. अगर हम इसके अलावा बात करें तो इट्स वेरी सिंपल कि यू नो जितनी भी चीज़ें कम्युनिकेशन कम्युनिकेट करने में हेल्प करती हैं, वो वायरलेस की जगह नॉन वायरलेस, मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को सिंपल करना, भले हम वो सच एज वायरलेस टेलीफोनी सर्विस की बात कर लें, रेडियो एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात कर लें, इंटरनेट एंड ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजीज की बात कर लें, हेयर एवरीथिंग कम्स अंडर टेली कम्युनिकेशन. एंड दैट इज द रीजन मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़, बेसिक चीज़ें बताती हूँ. 12th के बाद आप ये कोर्स कर सकते हो. आपका PCM होना चाहिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी 50% होना चाहिए. अगर आप किसी कैटेगरी में हो तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है, बट अगेन डिपेंड्स कि आप कौन से कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हो, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जे मेंस, एडवांस, विटसैट, वीआईटी, देन यू हैव महाराष्ट्र सीटी, वेबजी, कॉमेट, बहुत सारे एग्जाम्स. तो हर एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो चेंज होता है. एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज फीस स्ट्रक्चर 30,000 से लेकर 3,00,000, डिपेंडिंग अपॉन आप किस कॉलेज से कर रहे हो, सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होते हैं. देन साथ ही साथ यू नो अगर आप एवरेज सैलरी की बात करें तो इट इज बेसिकली यू नो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3,00,000 एंड एवरेज सैलरी गोज टू अराउंड 6-7,00,000, फिर यहाँ पे कॉलेज वेरी करेगा. अगर मैं इसकी बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन हेल्प्स इन हेल्प कंपनीज जो कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में काम करते हैं. अगर हम कंपनीज की बात करें जो इन स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती है, एयरटेल, BSNL, रिलायंस, जियो, TCS, एरिक्सन, सैमसंग, LG, फोन्स, यू नो जितनी भी ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं, ये सारी कंपनीज कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती हैं. प्रोफाइल्स, टेलीकॉम इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, टेक्नीशियन, टेस्टिंग इंजीनियर, टेलीकॉम साइट इंजीनियर, राइट. इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको यू नो करिकुलम में सेल्यूलर टेक्नोलॉजी, मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन, स्विचिंग थ्योरी के बारे में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में, देन नेटवर्क इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाया जाता है. उसके अलावा अगर हम बात करें एंटीना एंड वेव प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ाया जाता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है, VLC डिज़ाइन के बारे में, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के बारे में, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग के बारे में, एम्बेडेड सिस्टम के बारे में, लेजर एंड फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में, लॉजिकल डिज़ाइन, स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, उन सभी के बारे में बताया जाता है. तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का स्कोप बहुत ज्यादा है, बिकॉज विद टाइम एवरीथिंग इज मूविंग फास्ट. अब अगर हम बात करें तो देयर वाज अ टाइम जब हम सिर्फ कॉल कर सकते थे, अब हम यू नो व्हाट्सएप पे ऑनलाइन यू नो यूजिंग नेटवर्क कॉल्स कर सकते हैं. तो यू नो ये टेक्नोलॉजी हर दिन के हिसाब से चेंज हो रही है, बढ़ रही है. पहले 3G था, 2G था, देन 4G, देन 5G, नाउ 6G, और हो सकता है इन फ्यूचर ये चीज़ें ग्रूम करें और इस इंडस्ट्री की डिमांड भी वैसी ही रहेगी. सेकेंडली अगेन हम एक वीडियो लेकर आएंगे टॉप कॉलेजेस पे जो जिनके जो यहाँ पे सही में अच्छे प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में. तो उसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है. एंड अपार्ट फ्रॉम इट, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियो लाइक दिस कीप वॉचिंग अ चैनल. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग अ चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.